बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन, लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पल ना वालू निरखुने त्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणार बिंद में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, श्री परम धाम की नजदीकी परिक्रमा का रिवीजन हम सब अलग अलग सुंदर साथ जी के माध्यम से, उनके मुखारबिंद से, उनके दिल से निकली हुई शोभा और उसकी रिवीजन से करेंगे। तो प्रॉपर प्रेपरेशन ऑफ श्री परम धाम चर्चनी सहयोगिता आज से हमारी शुरू हो रही है। कुछ प्रश्नोत्तरी राउंड्स भी बाद में, आज नहीं, जब ये रिवीजन हो जाएगी फिर खेले जाएंगे, और उसके बाद हम प्रॉपर हमारी सहयोगिता के उसमें भाग लेंगे। तो आइए चलते हैं, और देर ना करते हुए चलते हैं अपनी प्यारी सुंदर साथ आशिमा जी की तरफ, जो हमें बहुत सुंदर आज श्री सातवन की रिवीजन करवाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आज हम सातवनों की शोभा में चलते हैं। रंग महल की पूर्व दिशा में हमारे ये सातवन आए हैं, जैसे कि इस नक्शे में आप देख सकते हैं। रंग महल की पूर्व दिशा में हमारे सात वनों की शोभा है। हर वन हमारा बगीचे के नाम से भी कहा जाता है, तो एक वन यानी एक बड़ा बगीचा, और उसके फिर चार हिस्से हो जाते हैं, तो हम इन्हें चार चौक भी कह सकते हैं। तो ऐसे इन चार वनों सात वनों की शोभा में सबसे पहले हमारा उत्तर दिशा से देखें तो केल वन, लिबोई वन, अनार वन, अमृत वन, जाम्बू वन और नारंगी वन, उसके बाद बट का वन। तो ऐसे हमारे सात वनों की शोभा है। अब ये जो हमारे सात वन है उसमें से दो वन तो हमारे पांच भूम तक जाते हैं, जिसमें कि केल वन और बट वन की शोभा है। तो केल वन भी, केल में जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं वो पांच हारे निकलती हैं, और वो दो भूम के तो मिलान कर लेते हैं हमारे बाकी पांच वनों से। बाकी तीन भूम जो हैं वो केल का रूप लेके और ऊपर भूम दर भूम जाते हैं। ऐसे ही बट की तरफ अगर हम देखें तो बट के वन में भी हमारे बड़ो वन के वृक्ष ही घूम कर आ रहे हैं, और ये पांच हारे जो बट के वन की हैं वो कुंज निकुंज से होकर निकलती हैं। और ये जो बड़ो वन के वृक्ष हैं वो बट का रूप धारण कर लेते हैं और ऐसे ही पांच भूम तक जाते हैं। अब बीच में हमारे आते हैं पांच वन, तो केल के बाद लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू और नारंगी। ये जो पांच वन है इसमें से तीन वन हमारे रंग महल के बिल्कुल सामने पूर्व दिशा में आते हैं। तो रंग महल की पूर्व दिशा में अगर हम देखें तो 1500 मंदिर की जगह हमारे पास होती है लंबाई में। तो अग्नि कोण के चाहे बच्चे से लेकर ईशान कोण के चाहे बच्चे के बीच में 1500 मंदिर की लंबाई में और 2000 मंदिर की लंबाई और 500 मंदिर की चौड़ाई में एक एक वन आया है। तो
तो 1500 मंदिर, 500, 500, 500, ऐसे हमारे तीन वन आते हैं, लिबोई, अमृत और अनार। तो मध्य में, सबसे मध्य में जहां पे हमारा धाम दरवाजा है और उसके सामने हमारी धाम सीढ़ियां उतरती हैं, उसके सामने आता है हमारा अमृत वन। तो अमृत वन है 500 मंदिर का चौड़ा और 2000 मंदिर का लंबा। ये हमारा पूर्व से पश्चिम, वन रॉस से लेकर धाम सीढ़ियों तक हमारा जो चबूतरा है, धाम चबूतरा, वहां तक हमारा 2000 मंदिर की लंबाई में आता है। अब अमृत वन जो है उसके बगीचे थोड़े छोटे हो जाते हैं, क्योंकि मध्य में एक और रॉस आती है दो मंदिर की, जिससे हम अपनी धाम सीढ़ियां चढ़ के धाम दरवाजे से अंदर रंग महल में जा सकते हैं। तो इसलिए अमृत वन में हमारे 8 बगीचे आते हैं, जबकि बाकी सभी वनों में हमारे 4 बगीचे बनते हैं, 500 मंदिर के लंबे और 500 मंदिर के चौड़े। अमृत वन में हमारे 8 बगीचे बन जाते हैं, क्योंकि मध्य में एक और रौस आ जाती है, मध्य की रौस दो मंदिर की चौड़ी। तो इस कारण से हमारे 8 बगीचे बन जाते हैं, 250 मंदिर के चौड़े और 500 मंदिर के लंबे। 500 मंदिर की जो लंबाई है वो है पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण हमारी चौड़ाई है इसकी 250 मंदिर की। तो ये हैं हमारे अमृत वन के बगीचे। अब अमृत वन की शोभा को जैसे हम देखते हैं, इसके चारों तरफ हमें क्या शोभा नजर आती है? अमृत वन के पूर्व दिशा में तो हमारा है वन रॉस, 4 रॉसें आती हैं और उसके बाद हम सीधा पाट घाट में चले जाते हैं। और अमृत वन की पश्चिम दिशा में है हमारा रंग महल, जिसमें बीच में चांदनी चौक की शोभा भी आती है, जो कि 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है। और अगर हम दाएं बाएं देखें, उत्तर और दक्षिण में, तो अमृत वन के उत्तर में अमृत वन के उत्तर दिशा में अनार वन आता है, और उसकी भी उत्तर दिशा में लिबोई वन, और उसकी भी उत्तर दिशा में केल वन की शोभा है। ऐसे ही अमृत वन के दक्षिण में देखें तो दक्षिण में आता है हमारा जांबू वन, और जांबू वन के जब दक्षिण में देखें तो नारंगी वन, और नारंगी के दक्षिण में बटका वन। तो ऐसे है अमृत वन की शोभा, जिसके उत्तर दक्षिण हमारे तीन तीन वनों की शोभा दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि एक बगीचे की शोभा कैसी है। सबसे पहले हमारे जो 5 वन हैं, केल, लिबोई, अनार, जांबू और नारंगी, इनकी शोभा को हम देखते हैं। तो इनमें एक वन की शोभा को हम समझते हैं, जैसे कि जांबू वन। तो जांबू वन आया है हमारा 500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा। अब इसके चारों तरफ नहरें आती हैं, तो हम ये बोलते हैं कि इसमें 5 आड़ी नहरें और 2 खड़ी नहरें लंबाई में आती हैं। अगर हम पूरी 2000 की लंबाई में देखें तो 5 आड़ी नहरें और 2 खड़ी नहरें आती हैं। और अगर हम इनके डिविजन्स कर देते हैं तो हमारी 8 नहरें खड़ी बन जाती हैं और 5 आड़ी नहरें आने से ये हमारी 13 नहरों की शोभा हो जाती है। तो एक वन में 13 नहरें आती हैं, तो हम इन्हें ऐसे भी बोल सकते हैं कि 13 नहरें आती हैं एक वन में, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 खड़ी नहरें और 5 आड़ी नहरें, 7 नहरें एक वन में। अब एक बगीचे की शोभा कैसी है? इसमें 500 बाय 500 का एक बगीचा बना और उसमें वृक्षों की हारें आती हैं, जो कि 2-2 मंदिर की दूरी पर एक एक वृक्ष है। तो 250 वृक्षों की 250 हारें एक बगीचे की शोभा में आती हैं, और चारों तरफ से इसमें गोलाई में सीढ़ियां नजर आ रही हैं हमें। तो 4 सीढ़ियां कॉर्नर से और 4 हमारी मध्य से, तो 8 सीढ़ियां एक बगीचे के अंदर आती हैं। अब हर वृक्ष के मध्य की दूरी है 2 मंदिर की, तो जब एक वृक्ष और दूसरे मंदिर के बीच में 2 मंदिर की दूरी में एक चौक बन जाता है, तो 2 मंदिर की जगह में ये चौक बन जाता है 2 मंदिर का। तो उसके अंदर मध्य में एक मंदिर में हमारी एक द्योरी आती है, और ये द्योरी है 1/1 की। तो इसमें 4 थंब लगे और ऊपर एक छत डली और फिर एक गुम्मट और सुंदर कलश की शोभा। तो ऐसे हर बगीचे में सुंदर द्योरियों की शोभा भी आती है, तो एक वन में 4 द्योरियों की शोभा हमें नजर आ रही है। अब इसमें जो 4 नहरें एक बगीचे को घेर कर आती हैं, उसमें मध्य में एक एक पुल की शोभा भी आती है,
और चारों कोनों पर एक एक चह बच्चा बन जाता है। तो ये हमारी नहर की शोभा कैसी है, दो मंदिर की चौड़ी ये नहर है और इसमें एक मंदिर में जल 50-50 हाथ में रौस की शोभा है। एक बगीचे के चारों तरफ नहरें, मध्य में पुल, 8 सीढ़ियां, 250 की 250 हारे हमारे वृक्षों की और मध्य में एक सुंदर द्योरी की शोभा। अब ये जो हमारे वृक्ष हैं जांबू के, तो हर वन में किनार की जो पहली हार है, जो नहर के चबूतरे के साथ चल रही है, वो हार हमारी है जांबू के वृक्षों की, और मध्य में जो वृक्ष आए हैं वो सभी प्रकार के फलों के आए हैं। तो ऐसे शोभा बनती है हर बगीचे की एक वन में। तो अगर हमारा अनार का वन है तो किनार पर हर बगीचे में अनार की शोभा और मध्य में सभी प्रकार के फल हमें मिल जाएंगे। अगर हमारा अमृत वन है तो किनार पे अमृत की शोभा और मध्य में सभी प्रकार के फलों के वृक्षों की शोभा। ऐसे ही हमारा जांबू, नारंगी और केल और लिबोई का वन, तो ये सभी वनों में एक प्रकार ही की शोभा, समान शोभा है कि किनार पर जो एक हार घूम कर आती है हर नहर के साथ, जो हमारी चार नहरें हैं उसके साथ जो एक हार घूम कर आ रही है पहली हार वृक्षों की, वो हमारी उसी वन की होगी और मध्य में जो वृक्ष आएंगे वो सभी प्रकार के हमें मिल जाएंगे। अब इन वृक्षों की ऊंचाई कितनी है, ये दो भूमि तक जाते हैं। तो पहले ये वृक्ष 100 हाथ ऊपर गए जिसमें 75 में तना है और बाकी में डालियां हैं, और उसके बाद एक समतल हमारी छत्री मंडल बन जाता है फूल पत्तों का। तो 100 हाथ की ऊंचाई पर हमें पहला छत्री मंडल नजर आता है और उसके बाद फिर 100 हाथ ऊपर जाने से ये वृक्ष जो है दूसरा छत्री मंडल बनाते हैं। तो दो भौम की ऊंचाई लिए जा रहे ये वनों के वृक्ष। अब इसमें जो हमारा केल वन है, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी, इसकी जो चांदनी है वो दो भौम तीसरी चांदनी है। तो 200 हाथ की ऊंचाई पर 100 हाथ पर पहली छत्री और दूसरी फिर 100 हाथ ऊपर हमारी दूसरी छत्री मंडल, तो ये बन गया हमारा 200 हाथ की ऊंचाई यानी दो भौम। तो हम बोलते हैं दो भौम तीसरी चांदनी, तो अर्थात कि हम इसकी तीसरी भौम पर जब आ जाते हैं तो हमें वहां से खुली चांदनी नजर आती है, इसलिए हम इसे कहते हैं तीसरी चांदनी। अब ये वृक्ष जमीन से उठे हैं, तो इन वृक्षों की शोभा कैसी है कि पहले तो इनमें 100 हाथ की ऊंचाई है पहली छतरी और फिर हमारा 75 का तना और बाकी 25 में डालियां, तो फिर 100 हाथ की ऊंचाई और ऐसे दो छतरी मंडल हमें नजर आते हैं और ये बन जाते हैं हमारे वनों के वृक्ष दो भौम तीसरी चांदनी। अब इसमें जो पहली भौम है उसमें तो हमें नहरें और चह बच्चों की शोभा नजर आती है और हमारी दूसरी भौम में हमें नहरें और चह बच्चों की शोभा नहीं नजर आती क्योंकि वो फूलों पत्तों की छत हमारी छत्री मंडल डल जाता है। तो इस प्रकार पहली भौम और भौम में क्या अंतर हुआ कि पहली भौम में हमें नहरें, चारों तरफ नहरें, चह बच्चे, उनमें सुंदर फवारों की शोभा नजर आती है, मध्य में द्योरियों की शोभा नजर आती है, लेकिन जब हम इनकी छत्री मंडल पर जाते हैं तो हमें समतल छत्री मंडल, बिल्कुल समतल एक जैसा फूलों पत्तों का छत्री मंडल नजर आता है और उसके ऊपर फिर से हमें दूसरी भूमि के वृक्ष नजर आते हैं जो कि हमारे 100 हाथ ऊंचे गए हैं। तो ऐसी शोभा है हमारी पहली छत्री मंडल के ऊपर। अब हम दूसरी छत्री मंडल में जब जाते हैं यानी हमारी तीसरी चांदनी, तो दूसरी छत्री यानी तीसरी चांदनी, तो इसमें जब हम जाते हैं तो हमें कोई भी वृक्ष नजर नहीं आता, सिर्फ हमें एक समतल छत्री मंडल नजर आता है एक जैसा फूलों पत्तों, और उससे हम अपने रंग महल की शोभा और चारों तरफ की शोभा को देख सकते हैं। अब ये जो वृक्ष हैं हमारे दो भौम के, ये चारों तरफ से अगर हम इनका नजारा देखें तो अगर हम इनकी चांदनी पर हैं तो हमें चांदनी से हर दिशा में क्या शोभा नजर आती है, तो सबसे पहले देखते हैं हमें अपनी पूर्व दिशा में क्या नजर आता है। पूर्व दिशा में हमें बड़ों वन के वृक्ष जो वन रॉस पे चल रहे हैं उनकी चांदनी इनसे मिली हुई नजर आएगी और हम सीधा दौड़कर जमुना जी में जा सकते हैं। हाँ जी, और अगर हम अपने पश्चिम दिशा में देखें तो हमें रंग महल की सुंदर शोभा नजर आएगी। अब हम तीसरी चांदनी पर खड़े हैं तो वहां से हमें 8 भौमे ऊपर
हमारे पूरे रंग महल के मंदिरों की शोभा, छज्जों की शोभा और ऊपर दहलान के ऊपर जो हमारी छत बनी है उसके ऊपर गुमटियों की शोभा, गुर्जों के ऊपर जो गुम्मट है उनकी शोभा, कांगरी की शोभा, तो हमें पूरा अपना रंग महल नजर आता है तीसरी चांदनी से। और ऐसे ही अब अगर हम उत्तर की तरफ मुख करें तो हमें केल, लिबोई, अनार, ये तो हमारे तीन वन आते हैं उत्तर में। और केल के वन जो है हमें ऊपरा ऊपर तीन भूम और जाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इनमें बड़ो वन के वृक्ष शामिल हैं, तो इसलिए हमें इनकी पांच भूम छठी चांदनी नजर आती है। अगर हम चांदनी पर खड़े हैं तो दो भूम का तो मिलान दो भूमों से हो गया, केल वन की दो भूमों का मिलान हमारे इन वृक्षों से हो गया, और उसके ऊपर हमें तीन भूम और नजर आते हुए बड़ो वन के वृक्ष केल के रूप में नजर आते हैं। ऐसे ही दक्षिण दिशा में देखें तो नारंगी जांबू नारंगी वन ये हमें नजर आता है, और इसकी हमारी समतल चांदनी है हमारे पांचों वनों की, तो हमें तीन भूम और ऊपर अब बट के वृक्ष, जो बड़ो वन के वृक्ष बट का रूप लेते हैं, उनके तीन भूम और नजर आते हैं। तो हम जब दक्षिण में नजर करते हैं तो हमें तीसरी चांदनी से बट के वृक्ष तीन भूम और ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। तो ये शोभा हमारे चारों तरफ हुई चांदनी की, अगर हम अमृत वन, अनार वन, लिबोई वन, जांबू वन या नारंगी वन, किसी भी वन की चांदनी पर खड़े हैं, जो कि है दो भूम तीसरी चांदनी। तो हर भूम ने सभी वनों से मिलान तो किया है, जैसे कि हमारी पहली भूम सातों वनों की वो समतल है, 100 हाथ ऊपर हमारी सातों वनों की छतरी एक समान है, ऐसे ही दूसरी भूम पर भी छतरी मिलान करती है दाएं बाएं, तो सातों वन एक समान। उसके बाद जब तीसरी भूम पे हम आते हैं तो हम चांदनी आ जाती है पांच वनों की चांदनी, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी, इनकी चांदनी एक समान है, और उसकी चांदनी के बाद हमें तीन भूम के और ऊपर जाते हुए छत्री मंडल नजर आते हैं, एक केल वन के उत्तर में और दक्षिण में हमें नजर आते हैं बट के। तो ये हुई हमारी वनों की चांदनी। अब हम आते हैं वापस अपने अमृत वन में। अमृत वन में हमारी जो शोभा है वो बाकी वनों से कैसे अलग है, क्योंकि बाकी वनों का एक बगीचा 500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा है, लेकिन अमृत वन के मध्य में एक रौस आने से, दो मंदिर की रौस आने से हमारे बगीचे छोटे हो जाते हैं, तो ये बन जाते हैं हमारे 8 बगीचे। और इन 8 बगीचों में जो हमारा पश्चिम की तरफ अगर हम नजर करें तो चांदनी चौक की शोभा आती है, जो कि 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है। हाँ जी, अब इस चांदनी चौक की शोभा से पहले एक चीज और रह गई थी कि हमारी जो दो मंदिर की रौसे हैं, वो दो मंदिर की चौड़ी रौसे, इसी नक्शे में आप देख सकते हो कि ये जो दो मंदिर की रौस है ये कहाँ कहाँ से घूमकर आ रही है। तो हमारा जो धाम चबूतरा है उसके बिल्कुल पिठोर से नीचे धाम जमीन पर हमारी ये रौस दो मंदिर की चौड़ी हमें नजर आएगी इन वनों के सामने, यानी इन वनों की पश्चिम दिशा में। तो हमें अमृत वन, अनार वन और लिबोई वन, जांबू वन, नारंगी वन, इन सबके आगे भी एक दो मंदिर की रौस है, लेकिन हमारा रंग महल है 1500 मंदिर का, तो 1500 मंदिर के सामने तीन वनों की रौस हमें नजर आती है, वो है हमारे अनार, अमृत और जांबू। तो इन तीन वनों के सामने हमें वो रौस नजर आती है जो कि धाम चबूतरे के साथ साथ चल रही है, और यही रौसें हमारी लंबाई में भी आती हैं, आड़ी रौसें भी हैं और खड़ी रौसें भी हैं। तो ये लंबाई वाली जो रौसें हैं, अब ये देखिए इसमें हर जहां दो वन हमारे बीच में, दो वनों के बीच में दो मंदिर की चौड़ी एक रौस शोभा ले रही है, और ये जो रौसें हैं हमारी वो हर बगीचा जहां खत्म होता है और अगला बगीचा शुरू होता है वहां पर आती है। तो केल वन की शुरुआत में भी है उत्तर में और केल वन की दक्षिण में भी, उसके बाद लिबोई वन के उत्तर में भी दो मंदिर की रौस, और ये दो मंदिर की रौस कॉमन है, यानी कि केल वन में भी काउंट होगी और लिबोई वन में भी। और कैसे काउंट होगी, एक मंदिर की रौस जो है वो केल वन में आएगी और एक मंदिर की रौस हमारी लिबोई वन में आएगी,
तो जो उत्तर वाली रॉस है, उत्तर वाला हिस्सा है, वो केलवन में आएगा, दक्षिण वाला हिस्सा हमारा लिबोई में आएगा। तो दो मंदिर की रॉस में से एक मंदिर केलवन में चली गई और एक मंदिर लिबोई में चली गई, ये कॉमन रॉस। ऐसे ही लिबोई और अनार के मध्य में भी एक रॉस है दो मंदिर की, तो एक मंदिर लिबोई में, एक मंदिर अनार में। अब अनार और अमृत के बीच में भी ऐसे ही रॉस है, दो मंदिर की चौड़ी, जिसमें एक मंदिर अनार में और एक मंदिर अमृत वन में। अब अमृत वन में देखो बीच में भी एक रॉस आ रही है, और ये पूरी ही अमृत वन की रॉस हमारी कहलाती है। इसके दोनों किनार पर अमृत के ही वृक्ष आते हैं। अब आगे चलो, तो अमृत और जांबू के मध्य में भी एक रॉस आई है जो कि दो मंदिर की चौड़ी है, तो एक मंदिर अमृत वन में और एक मंदिर जांबू वन में। ऐसे ही जांबू और नारंगी के बीच में दो मंदिर की रॉस, एक मंदिर जांबू वन में और एक मंदिर नारंगी में, और उसके बाद हमारा कुंज निकुंज शुरू हो जाता है, तो एक रॉस और है। अब इसमें जो शोभा है सातों वनों में, हमारी मध्य में रॉसे आनी है। अमृत वन में एक रॉस ज्यादा आने से हमारी ये अमृत वन की तीन रॉसे बन जाती हैं, तो एक उत्तर की रॉस, एक मध्य की रॉस और एक दक्षिण की रॉस। और ये इन रॉसों में कोई अंतर नहीं है, ये सब रॉसे एक ही शोभा लिए हुए हैं, दो मंदिर की चौड़ाई में और लंबाई, इनकी लंबाई जो है वो पूर्व से पश्चिम है, वन रॉस तक जाती हैं। तो इधर ये हमारी पश्चिम की तरफ जो है एक दो मंदिर की रॉस जो आई थी उससे मिलान कर लेती हैं, जो धाम चबूतरे के साथ आई थी, और पूर्व दिशा में ये वन रॉस से जाकर मिल जाती हैं। तो ऐसे ये रॉसें आई हैं पूर्व से पश्चिम। अब इन रॉसों को हमने देख लिया, इसमें एक सुंदर शोभा और है कि इनमें दो वृक्षों की हारें चलती हैं किनार पर। तो एक वृक्ष की हार जो है हमारी केलवन की और एक वृक्ष की हार लिबोई वन की। तो उत्तर वाली जो हार है वो केलवन की और दक्षिण वाली हार है वो लिबोई वन की। तो ऐसे ये सुंदर हमारी दो वृक्षों की हारें इस रॉस के किनार पर हमें नजर आती हैं, और ये ऊपर जाकर हमारी सुंदर मेहराबे बनाती हैं दो तरह के फलों की। तो आधी मेहराब आपको केल की नजर आएगी, आधी मेहराब लिबोई की नजर आएगी। और ऐसे ही हमारी दूसरी भूम पर भी यही शोभा, तो पहली भूम में मेहराब नजर आई और ऊपर छत्री मंडल, फिर दूसरी भूम में ऐसे ही हमें इनकी मेहराबे नजर आती हैं, वृक्ष नजर आते हैं, और फिर दोबारा से एक छत्री मंडल। तो ये शोभा है हमारी रौसों की, दो तरह के फलों की, फूलों की हमारी ये रौस है, केल लिबोई, लिबोई अनार, अनार अमृत, अमृत अमृत, अमृत जांबू, जांबू नारंगी और आगे नारंगी। अब बट में तो हमारे बड़ोवन के वृक्ष हैं, इसलिए उनकी जो हारे हैं वो 125 मंदिर की दूरी पर हैं, तो उनकी शोभा अलग हो जाती है, इसलिए हम नारंगी में ऐसे ही इसको समझते हैं। और ऐसे ही केलवन के उत्तर में हमारा मधुवन है, तो मधुवन में भी वो मधुवन की जो चार हारे हैं वो 125 मंदिर की दूरी पर हैं, तो वो भी शोभा हमारी अलग है। तो इस प्रकार से हमारे ये दो मंदिर की रौसों की शोभा, जिसमें दो तरह के फलों की हमें मेहराबें सुंदर नजर आती है। और अमृत वन की मेहराब में और बाकी मेहराबों में, बाकी वनों की जो बीच की रौसें हैं उनकी मेहराबों में एक ही अंतर है कि अमृत वन में जो मध्य की रौस है उसमें हमें एक ही फल की दोनों तरफ वृक्षों की हारें और एक ही फल की मेहराबें नजर आती हैं। अपने ऊपर जब हम नजर करते हैं तो हमें आम के वृक्षों की ही पूरी मेहराब सुंदर बनती हुई नजर आती है, जबकि बाकी वनों के जो मध्य की रौसें हैं उनमें अलग अलग फलों की, दो फलों की मेहराबें हमें नजर आती हैं। तो ये तो एक डिफरेंस है हमारी अमृत वन की रौस जो मध्य की रौस है और बाकी सब रौसों। अब इस रौस से होकर ही हमने अपने मूल मिलावा में जाना है। तो हम जब इस रौस पर चल रहे होते हैं तो हमें क्या क्या शोभा नजर आती है, ऊपर दो फलों की जगह एक ही फल की मेहराब, सुंदर दो मंदिर की चौड़ी मेहराब नजर आती है। अपने उत्तर और दक्षिण में जब हम नजर करते हैं तो हमें अमृत वन के वृक्ष नजर आते हैं, और अमृत वन के हर बगीचे के चारों तरफ जो नहर आई है, तो हमारी जो दो लंबी नहरें हैं वो हमें नजर आती हैं, और वो भी दो मंदिर की चौड़ाई में है, और उसके बाद हमें बगीचों की शोभा नजर आती है। हाँ जी, अब इस मैप से हमें बहुत क्लियर हो रहा है कि जो हमारी मध्य की रॉस है अमृत वन के मध्य में, इसमें किनार पर हमें दो वृक्ष नजर आ रहे हैं, और उसके बाद हमें नहर का चबूतरा नजर आ रहा है जिसमें 50 हाथ की रॉस
एक मंदिर का जल, बीच में पुल की शोभा, फिर 50 हाथ की रॉस और फिर सीढ़ियां जो कि वन में उतरती हुई नजर आ रही। अब इस शोभा में हमें ये ध्यान रखना है कि जितनी भी ये जगह है, दो मंदिर की रॉस और दाएं बाएं हमारा उत्तर दक्षिण में जो नहर का चबूतरा है वो बराबर लेवल पर आया है, यानी कि 6 मंदिर की जगह एक ही लेवल पर आती है। तो पहले आप देखो, उत्तर की नहर 3 सीढ़ी ऊपर है हमारे बगीचों से। तो अगर हम बगीचे में खड़े हैं, उत्तर के अमृत वन के बगीचे में खड़े हैं, तो हमें 3 सीढ़ी चढ़कर इस रॉस पर आ गए। उसके बाद हमने मध्य का पुल की शोभा देखी, पुल से हमने नहर को पार किया, एक मंदिर की नहर को पार किया। उसके बाद फिर हम एक रॉस पर आ गए, फिर हम 50 हाथ की रॉस को पार करके मध्य की रॉस पर आ गए, जो अमृत वन की मध्य की रॉस है, जिस पर हमें 2 वृक्षों की हारे नजर आएंगी और सुंदर कठेड़े नजर आएंगे। और अंदर भी हमें नहरों में भी जल तरफ कठेड़ा मिल जाएगा, पुलों में भी हमें कठेड़ा मिल जाएगा, सीढ़ियों में भी कठेड़ा मिल जाएगा। तो इस शोभा को देखते हुए आगे हमें दूसरे बगीचे में जाना है, तो फिर हम 50 हाथ चलेंगे रॉस के, उसके बाद पुल को पार करेंगे, फिर 50 हाथ चलेंगे रॉस के और फिर हम सीढ़ियों से 3 सीढ़ी नीचे उतर कर दूसरे बगीचे में, दक्षिण के बगीचे में चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो 6 मंदिर की जगह है वो एक ही लेवल पर आई है। तो हमारे बगीचे जो हैं, वो सभी बगीचे हमें पता है, सब सुंदर साथ ये बात जानते हैं कि परम धाम में बगीचे हमेशा 3 सीढ़ी नीचे होते हैं और नहर के चबूतरे जो हैं वो 3 सीढ़ी ऊपर होते हैं, कमर भर ऊंचे होते हैं। तो जो हमारी ये मध्य की रॉस है और जो आसपास के चबूतरे हैं ये बराबर हो गए, क्योंकि ये रॉस भी कमर भर ऊंची है। तो हमें 6 मंदिर की जगह एक लेवल में मिल जाती। अब हम इस रॉस को जब पार करके चांदनी चौक की तरफ जाते हैं, जो कि अमृत वन के बगीचों के अंदर से ही जगह लेकर बना हुआ है, तो हम क्या शोभा देखते हैं कि हमें 2 चय बच्चे नजर आते हैं और हमें 2-2 मंदिर की मेहराबें, जो वृक्षाएं हैं उनकी मेहराबें नजर आती हैं। तो आप देखो, इसमें 4 मेहराबी द्वार हमारे बनते हैं, एक पूर्व में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। तो ये जो रॉस है हमारी 2 मंदिर की, ये 2 मंदिर की रॉस से मिल जाती है। अब चांदनी चौक को घेर कर भी ये 2 मंदिर की रॉस आई है, जो कि 3 तरफ से घूमी है। हाँ जी, अब इस रॉस पर हमें 4 मेहराबें नजर आती हैं, दाएं बाएं चाहे बच्चों की शोभा नजर आती है। और जब हम इस 2 मंदिर की रॉस को पार कर लेते हैं, तब हम आ जाते हैं अपने चांदनी चौक में। अब चांदनी चौक में यही रॉस आगे हमें नगन जड़ित, सुंदर नगों से जड़ी हुई रॉस हमें नजर आती है और ये सीधा हमें धाम की सीढ़ियों तक पहुंचाती है। तो फिर हम अपनी सीढ़ियों से चढ़कर अपने धाम दरवाजे से होकर अंदर 28 स्तंभ के चौक को पार करके और 4 चौरस हवेलियों को पार करके मूल मिलावा की हवेली में पहुंच जाते हैं। तो ये रॉस बहुत स्पेशल है सुंदर सरक जी, और इसकी शोभा जब हम देखते हैं तो हमारी चांदनी चौक जो आता है, इसके दाएं बाएं की शोभा इतनी सुंदर है कि हम इसको देख देख कर इसी में रह जाते हैं। अब इस चांदनी चौक की शोभा को देखें तो 166 मंदिर का लंबा, 166 मंदिर का चौड़ा ये चांदनी चौक है और इसके 3 तरफ 2 मंदिर की रॉस आई है। और इस रॉस पर बिल्कुल वही शोभा आम के वृक्षों की 2 हारें किनार पर आई हैं और उनकी सुंदर मेहराबें, और फिर वही वो वृक्ष 2 भूम ऊपर हमें जाते हुए नजर आते हैं। तो 1 भूम की ऊंचाई पर हमें इनके सुंदर कठेड़े नजर आते हैं और 3 तरफ कठेड़े नजर आते हैं। और फिर 2 भूम पर जब हमें ये वृक्ष नजर आते हैं तो इनका एक ही कठेड़ा 2 भूम की छत पर नजर आता है, 166 मंदिर का लंबा, 3 दिशा में। तो हमारी दिशाएं हुई पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। तो ये शोभा हमें 3 दिशा में नजर आती है कि हमें अमृत वन के वृक्ष ऊपर जाते हुए 2 भूम तक और उनके सुंदर कठेड़े नजर आते हैं। और जब हम अपनी नजर करते हैं पश्चिम दिशा में तो हमें धाम सीढ़ियां नजर आती हैं और 1 भूम ऊंचा हमारा रंग महल का चबूतरा नजर आता है और उसका स्पेशल हांस, जिसे हम कहते हैं विशेष हांस, तो ये हमारा विशेष हांस नजर आता है 10 मंदिर का। और इस स्पेशल हांस के हमें 2 झरोखे या 2 बड़ा दरबार, 2 चबूतरे नजर आते हैं और 2 भूम के 2 झरोखे और ऐसे ऊपर ऊपर 10 भूम 11वीं चांदनी तक हमारी शोभा। अब चांदनी चौक की शोभा में सुंदर रेती का वर्णन आता है। तो ये रेती हमारी नगन जड़ित रेती है
और हमारे दाएं बाएं जब हम रॉस पर चल रहे हैं तो हमें ये रेती, सुंदर रेती नजर आती है। अब अलग अलग नगों से जड़ी हुई ये रेती और बीच में हमारी दो मंदिर की रॉस, इनका लेवल भी सेम है। तो अगर हम चांदनी चौक में इस रॉस से आ गए, मध्य की रॉस से, तो हमें कुछ भी चढ़ना नहीं है, कहीं भी चढ़ना उतरना नहीं है, एक समतल ये बिल्कुल हमारी जमीन है जिसमें कि चांदनी चौक में सुंदर रेती की शोभा है दाएं बाएं, और मध्य में दो मंदिर की रॉस है। और तीन तरफ हमें जो दो मंदिर की रॉस नजर आती है वो चांदनी चौक में गिनती में नहीं आती। तो हमारी चांदनी चौक की हद यहाँ तक है जहां से ये हमारी दो मंदिर की रॉस शुरू हो जाती है, जो कि दाएं बाएं आई है, उत्तर और दक्षिण और पूर्व दिशा में। तो चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा, 166 मंदिर का चौड़ा है, और इसमें एक लाल हरे वृक्ष की शोभा है जो कि बिल्कुल मध्य में हमारा एक चबूतरा उठता है, कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, और उसके चारों तरफ हमें सीढ़ियों की शोभा नजर आती है। तीन तीन सीढ़ियां हैं जो कि आठ मंदिर की लंबाई में है, और ये चबूतरा है 33 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो इसमें से आठ मंदिर की तो हमें लंबाई में सीढ़ियां नजर आती हैं चारों दिशाओं में, और कमर भर ऊंचा चबूतरा। दोनों चबूतरों की शोभा बिल्कुल एक जैसी है, लाल वृक्ष हमारा आम का और हरा वृक्ष हमारा अशोक का। अब ये जो हमारा चबूतरा है इस पर सुंदर गिलिम बिछी हुई है, और मध्य में बिल्कुल चांदनी चौक में जब हम लाल हरा वृक्ष की शोभा समझते हैं तो 33 मंदिर की जगह में जो चबूतरा उठता है उसके बिल्कुल मध्य में एक मंदिर का तना, और ये हमारा वृक्ष है आम का वृक्ष जो कि ऊपर जाता है 75 में तना और बाकी में डालियां 25 में डालियां, और फिर ये सुंदर मेहराबे बनाता है चारों दिशाओं में। तो इसकी शोभा हमें कैसी नजर आती है कि मानो हमें 33 मेहराबे हर दिशा में इसकी बनती हुई नजर आती है। और जब हम इसके तने के दरवाजे से ऊपर चले जाते हैं सीढ़ियों द्वारा तो हम दूसरी भूमि में क्या देखते हैं कि इस एक महल माफक शोभा बन जाती है। तो चारों तरफ से हमें थम नजर आते हैं जो कि फूलों पत्तों के थम बन जाते हैं, 34 थम हर दिशा में, और हर 34 थम के बीच में 33 मेहराबे। तो चारों दिशाओं से हमें ये 33 मेहराबे सुंदर नजर आती हुई दूसरी भौम में भी नजर आती हैं। तो 34 स्तंभ हर दिशा में और 33 मेहराबे बनाते हुए ये 34 स्तंभ हर दिशा में सुंदर लाल रंग के हमें नजर आते हैं, और इनकी जो पहली छत है वो चबूतरे तक ही आती है। तो इसकी चौड़ाई भी ऐसी है, 33 मंदिर की लंबी चौड़ी ये छत बन जाती है, और बिल्कुल चबूतरे के ऊपर ही ये अपनी जगह ले लेती है एक भौम की ऊंचाई पर। दूसरी भूमि में जब हम देखते हैं तो महल की तरह इसकी सुंदर शोभा फूलों पत्तियों की, और ऊपर हमारी तीसरी चांदनी, फिर हम इसके अंदर से जब ऊपर आ जाते हैं चांदनी पर तो सुंदर हमें चार कलश नजर आते हैं और मध्य में भी एक कलश की शोभा नजर आती है। तो ये है हमारा लाल वृक्ष जिसकी है दो भूम तीसरी चांदनी। तो जैसे हमारे पांच वनों के वृक्ष आए हैं बिल्कुल वैसे ही हमारा ये लाल हरा वृक्ष भी शोभा ले रहा है। सिर्फ अंतर इतना है कि जो वृक्ष है ये हरा और लाल रंग की शोभा में हमें नजर आता है, और इसकी जो चांदनी है वो चबूतरे तक ही आती है, चबूतरे के बाहर नहीं जाती। तो इतना ही अंतर है, बाकी वृक्षों की जो चांदनी है वो मिल जाती है, आपस में मिलान कर लेते हैं और समतल चांदनी बनाते हैं, लेकिन ये वृक्ष जो है ये दो भौम के तो हैं लेकिन इनकी चांदनी जो है, इनकी जो छाया है चबूतरे तक ही रहती है। अब इसमें हमारा नीचे जो चबूतरा है उसमें सिंहासन आया है, और मध्य में सिंहासन पूर्व दिशा में, और उसके आसपास हमारी 3,000 कुर्सियां जिसमें राजश्यामा जी अपने सखियों के साथ जब विराजमान होते हैं तो हम दूर दूर के वनों के नजारे देखते हैं, चांदनी चौक की सुंदर रेती में अलग अलग तरह की लीलाएं करते हैं, आनंदमयी लीलाएं होती हैं, और हम इनके नजारे देखते हैं वनों के, और सुंदर ऊपर हमारी खुली चांदनी। तो इसलिए चांदनी चौक क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इससे हमें खुली चांदनी, पूरा आकाश, चंद्रमा सब नजर आता है, तो हम इसे कहते हैं चांदनी चौक। और इससे जब हम अपने रंग महल की तरफ नजर करते हैं तो हमें पूरे रंग महल की शोभा नजर आती है, 10 भौम 11 चांदनी। अब इसकी जो लंबाई चौड़ाई का हम एक बार डिवीजन भी देख लेते हैं कि चांदनी चौक में हमारी डिविजन कैसे आई हैं।
सोनिया जी वो वाला है मैप जिसमें वो नंबर्स लिखे हुए हैं 34 33 वाला। हाँ जी मैं एक मिनट निकाल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी अब इसमें हम देख सकते हैं, इस मैप में हमें बहुत क्लियर हो रहा है कि रंग महल की पूर्व दिशा में हमें ये चांदनी चौक नजर आ रहा है। और चांदनी चौक का हम डिवीजन देखें तो लाल और हरे चबूतरे से हम इसको समझेंगे कि लाल चबूतरा और हरा चबूतरा 33 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में है। तो पहले हम लंबाई देखते हैं, अगर हम उत्तर से दक्षिण देखें तो भी सेम है और पूर्व से पश्चिम देखें तो भी सेम है क्योंकि ये चौकोर आया है, स्क्वायर शेप में आया है। तो हम पहले देखते हैं उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले 33 मंदिर की जगह खुली, उसके बाद 33 मंदिर का लाल चबूतरा, उसके बाद 34 मंदिर की जगह जिसके मध्य में दो मंदिर की रौस हमें नजर आएगी, और उसके बाद फिर 33 मंदिर का हरा चबूतरा, और फिर हमारे 33 मंदिर की जगह खुली। तो इस तरह से हमारे 166 मंदिर ये बन जाते हैं। तो 33 प्लस 33 प्लस 34 प्लस 33 प्लस 33 आप करोगे 166 आ जाएगा। अब बीच में जो 34 मंदिर की जगह है उसमें हमारी दो मंदिर की रौस चल रही है, तो उस दो मंदिर के दाएं बाएं अगर हम देखें तो 16 16 मंदिर की जगह 32 और बीच में हमारी दो मंदिर की रौस। तो ऐसे ये 34 मंदिर की जगह हो जाती है। अब हम इसकी पूर्व से पश्चिम अगर लंबाई देखें तो 166 मंदिर में 66.5 मंदिर खुली जगह, 33 मंदिर में लाल चबूतरा और 66.5 मंदिर खुली जगह। तो ऐसे हमारा 166 मंदिर पूरा हो जाता है। ऐसे ही हरे चबूतरे से देखें तो 6.5 मंदिर हम चल रहे हैं पूर्व से पश्चिम, सॉरी पश्चिम से पूर्व, और उसके बाद 33 मंदिर का हरा चबूतरा और फिर हमारा 66.5 मंदिर की जगह खाली। तो ऐसे हमारे 166 मंदिर की जगह ये पूरी हो जाती है। अब इसी मैप से हम एक और चीज भी देख सकते हैं, अपने अमृत वन में देखिए इसमें 1/3 पोर्शन में चांदनी चौक आया है, तो 166 मंदिर का 166 मंदिर का हमारा चांदनी चौक और दाएं बाएं में हमारे 167 मंदिर बच जाते हैं। तो अमृत वन अगर हम पूरे अमृत वन को काउंट करें उत्तर से दक्षिण अगर हम देखें तो 167 मंदिर अमृत वन के, उसके बाद 166 मंदिर में चांदनी चौक और फिर 167 मंदिर में हमारा अमृत वन। तो ऐसे हमारी ये शोभा है अमृत वन के 500 मंदिर की। अब इसके अंदर हमारी एक और शोभा नजर आ रही है कि हमें गुर्जों की शोभा भी समझाई हुई है। तो अगर हम चांदनी चौक में खड़े हैं तो हमारा जो स्पेशल हास है उसमें दो गुर्ज आते हैं, तो हमें ये पता है। सबसे पहले सोनिया जी एक बार इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए जिसमें पूरा मैप लिखा हुआ नजर आ जाए, छोटा कर दीजिए थोड़ा। हाँ जी थैंक यू। हाँ जी तो सुंदर साहब जी इसमें आप देखो इस मैप में ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है पूर्व दिशा कुल 52 गुर्ज, तो हमारी हर दिशा में वैसे 51 गुर्ज आते हैं लेकिन ये हमारा स्पेशल हास आने से पूर्व दिशा में 52 गुर्ज हमें नजर आते हैं। तो हम मध्य से अगर काउंट करें तो स्पेशल हास के दाएं बाएं से अगर हम देखें तो अगर हम दाएं की तरफ उत्तर की तरफ देखें तो 1 2 3 गुर्जों की शोभा हमारे चांदनी चौक के सामने हमें नजर आएगी। और ऐसे ही अगर हम दक्षिण की तरफ देखें तो भी हमें 1 2 और 3 गुर्ज हमें नजर आएंगे अगर हम चांदनी चौक में दक्षिण की तरफ से गिर रहे। तो ये हमारा स्पेशल हास जिसमें दो गुर्ज तो हमारे दाएं बाएं आ गए और उसके बाद दो दो गुर्ज हमें और नजर आएंगे, तो टोटल बन गए हमारे 6 गुर्ज। अब इसमें पहला गुर्ज हमें अगर हम धान दरवाजे के मध्य में खड़े और अपनी दक्षिण दिशा में चल रहे हैं तो 5 मंदिर के बाद पहला गुर्ज, फिर 25 मंदिर के बाद दूसरा गुर्ज और फिर 30 मंदिर के बाद तीसरा गुर्ज, तो उसके बाद फिर हम आगे चलते जाएंगे और हमारे चांदनी चौक की हद जब खत्म हो जाएगी तो चौथा गुर्ज आने से पहले ही हमारा 83 मंदिर जब हम चलते हैं तो हमारा वो ऊपर 22 हाथ ऊपर एक छत्री मंडल बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से हमारे वृक्षों की शोभा शुरू हो जाती है।
तो इस प्रकार हमें तीन बुर्ज ही नजर आते हैं दक्षिण दिशा में अगर हम चांदनी चौक में खड़े हैं, क्योंकि चांदनी चौक में एक डिफरेंट शोभा ये है कि वो दो मंदिर की रौस नहीं है इसमें, जो धाम चबूतरे के नीचे दो मंदिर की रौस आती है वो नहीं है, तो इसलिए हमें वहां पे कोई वृक्ष भी नजर नहीं आ रहा। जब रौस ही नहीं है तो दो हारे वृक्षों की कहाँ से आएंगी, तो इसलिए ना तो वो दो हारे हैं वृक्षों की और ना ही वो रौस है, तो वो जगह पूरी हमारी रेती ने ले ली है और हमें सिर्फ अपना रंग महल यहाँ से नजर आता है, उसके गुर्ज नजर आते हैं और उसकी मंदिरों की शोभा नजर आती है और धाम दरवाजा और हमारी धाम सीढ़ियां। तो इस प्रकार हमें छह गुर्जों की शोभा नजर आती है अगर हम चांदनी चौक में खड़े हैं। अब इसके दाएं बाएं अगर हम देखें तो हमें 26 गुर्ज हमारे टोटल हो जाते हैं जब हम आगे चलना शुरू करते हैं उत्तर में या दक्षिण में। तो इस तरह से 26-26 गुर्ज दोनों दिशा में हमारे बन जाते हैं टोटल 52 गुर्ज। अब तीन वन हमारे रंग महल के सामने हैं, तो इन तीन वनों में से अमृत वन में चांदनी चौक आने से 166 मंदिर की जगह कम हो जाने से हमारे वृक्ष भी कम हो जाते हैं अमृत वन के, और वो दो मंदिर की रौस भी कम हो जाती है, वो नहीं आती पूर्व दिशा में। तो ये दो मंदिर की रौस जो धाम चबूतरे के साथ चलती हुई आ रही थी ये अब घूम जाती है, जैसे ही चांदनी चौक की हद शुरू होती है ये दो मंदिर की रौस पूर्व की तरफ घूम जाती है और इस चांदनी चौक को तीन तरफ से घेर लेती है, और फिर घूमती हुई आप देख रहे हो जैसे सोनिया जी का एरो चल रहा है ये फिर रौस फिर घूमती हुई धाम चबूतरे के साथ साथ चलनी शुरू हो जाती है अपनी उत्तर दिशा। तो तीन तरफ से ये रौस चांदनी चौक को घूम कर जाती है और फिर धाम चबूतरे के साथ जाकर मिल जाती है। तो जहां चांदनी चौक आया है उस हद में ये रौस नहीं आई, इसलिए वो दो वृक्षों की हारें भी नहीं आई, इसलिए हम कहते हैं कि चांदनी चौक में कोई वृक्ष नहीं आया। और जो वृक्ष हमें नजर आ रहे हैं वो अमृत वन की हद में है, वो अमृत वन में ही गिने जाए। तो चांदनी चौक में सिर्फ दो वृक्षों की शोभा है और वो है हमारा सुंदर लाल वृक्ष और हरा वृक्ष, यही दो वृक्ष हमें नजर आते हैं। अब हम इस रौस को जब देखते हैं तो इनके ऊपर दो वृक्षों की हारें दो मंदिर की दूरी पर चल रही है, तो जब ये अमृत वन के सामने आएंगे, अमृत वन के सामने ये रौस आएगी धाम चबूतरे के नीचे जो रौस है मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो आड़ी रौस एक चल रही है सीधी उत्तर से दक्षिण की तरफ और चांदनी चौक में ये रौस घूम जाती है, मैं इस रौस की बात कर रही हूँ अब। तो इस रौस पर अगर हम धाम चबूतरे के साथ लगती हुई इस रौस को देखें तो हमारे तीन वनों की शोभा है, तो इस रौस पर भी हमें तीन तरह के वनों के वृक्ष नजर आएंगे। जब ये रौस अमृत वन के सामने आएगी तो अमृत का रूप ले लेगी, जब ये अनार के सामने आएगी तो अनार का रूप ले लेगी, और जब ये जांबू के सामने आएगी तो ये जांबू का रूप ले लेगी। तो इसमें एक डिफरेंस क्या है कि वैसे तो हमने जो मध्य की रौसें समझी हैं उसमें दो तरह की मेहराबें दो तरह के वृक्ष, लेकिन ये रौस कैसी है इसमें एक ही तरह के वृक्ष होंगे। अगर जांबू के सामने है तो दोनों हारे जांबू की, अगर अमृत के सामने है तो दोनों हारे अमृत के वृक्षों की, और अगर ये अनार के सामने है तो दोनों हारे अनार। तो ये अंतर हुआ इस रौस में और बाकी रौस में, और जैसे अमृत वन की मध्य की रौस है उसमें भी सिर्फ अमृत के वृक्ष। अब इस रौस पर जो हमारे वृक्ष आए वो कैसे आए, अब हम इसके मिलान को देखते हैं कि हमने रंग महल में इन वृक्षों से चढ़ के ऊपर जाना है क्योंकि हमें यहाँ पे कोई चांदों की शोभा नहीं मिली, तो हम इन वृक्षों में से ही ऊपर चढ़ के और रंग महल में जा सकते हैं। तो पूर्व दिशा में आप देखो कोई चांदा नहीं आया, तो अगर हमें पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हुए नीचे आना है प्रथम भूम में तो हमारा धाम चबूतरा एक भूम ऊंचा है, और अगर हमें उससे नीचे आना है तो हम कैसे आएंगे, तो हमें तो कोई चांदों की शोभा मिली नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब हमें मंदिरों के अंदर जाना होगा। मंदिरों के अंदर जाकर जो मध्य में हमारी अक्सी दीवार आई है उससे हमें एक दरवाजा मिलेगा, उसके अंदर हम जाएंगे 22 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ जाएंगे, फिर एक दरवाजा मिलेगा और हम अपने पूर्व दिशा में बाहर आ जाएंगे। अब हम क्या देखते हैं कि उस झरोखे के साथ लगती हुई एक सुंदर चांदनी, तो उन फूलों पत्तों की चांदनी पर जब हम एक मंदिर चलेंगे तो हमें पहली वृक्षों की हार मिल जाएगी और उसमें हमें तनों में सीढ़ियां मिल जाए, तो उन सीढ़ियों से हम नीचे अपनी प्रथम भूमि में आ सकते हैं। तो ऐसे हमें आना है सुंदर साथ जी हमारे वनों में। अब इनका मिलान ये वृक्षों का कैसे हुआ है इसको समझते हैं।
सबसे पहले हमारे धाम चबूतरे जो एक भोम का ऊंचा धाम चबूतरा है उसके साथ लगती हुई हमारी जो पहली हार आई है, चाहे वो अमृत की हो, चाहे वो जांबू की हो और चाहे वो अनार की, तीनों की शोभा एक जैसी। अब ये वृक्ष हमारे 75 और 25 में नहीं जाएंगे, ये वृक्ष जाएंगे 122 हाथ ऊंचे। और कैसे? 100 हाथ में तना और 22 हाथ में इनकी मेहराबें। अब ये मेहराबे बनाएंगे सुंदर 22 हाथ ऊंची। और क्यों बनाएंगे? क्योंकि इन मेहराबों ने अब एक छतरी डालनी है रंग महल की तरफ और रंग महल से मिलान करना है। तो इसलिए ये वृक्ष 100 हाथ ऊपर जाकर 22 हाथ की मेहराबे बनाकर 122 हाथ की ऊंचाई लेंगे जमीन से, और फिर 122 हाथ की ऊंचाई पर ये सीधा बिल्कुल सीधे हो जाएंगे समतल, और ये जाकर अब अपना पश्चिम की तरफ चलना शुरू करेंगे सीधा। तो ये जाएंगे पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम एक मंदिर की ये चांदनी बन जाएगी फूलों पत्तों की, जो कि हमारी परिक्रमा रौस को पूरा ढक लेगी। तो परिक्रमा रौस के ऊपर अगर हम खड़े हैं तो ये 22 हाथ ऊपर छत्री मंडल हमें नजर आना शुरू हो जाए। और अगर हम जमीन पर खड़े हैं जहां से ये वृक्ष का तना शुरू होता है, जहां पे हमें वृक्षों में दरवाजा मिलता है, तो वहां अगर हम खड़े हैं तो हमें 122 हाथ ऊपर ये छतरी नजर आएगी। अब ये 122 हाथ ऊंचे जो वृक्ष हैं, जो पिठोर से लगकर आए हैं, इनका मिलान रंग महल से होना है। तो ये एक मंदिर चलेंगे पूरब से पश्चिम की तरफ और मिलान कर लेंगे रंग महल की दीवार से, रंग महल के झरोखों से, और इन झरोखों से हम अंदर अपने मंदिरों में 22 हाथ की सीढ़ियां जो आती हैं उनसे हम नीचे उतरकर अपने रंग महल में जा सकते हैं। तो अब हमें इस पहली छतरी की शोभा समझ आई कि अगर हम तने से सीढ़ियों से इन वृक्षों में ऊपर आ गए तो एक भोम के ये वृक्ष नहीं है, ये 122 हाथ ऊंचे वृक्ष हैं। तो इनके तने से जब हम सीढ़ियों से ऊपर आए तो हम 122 हाथ ऊपर आ गए, और फिर हम एक मंदिर चले रंग महल की तरफ तो हमें झरोखे की शोभा मिली। झरोखा हमारा 5 हाथ बाहर निकला हुआ है, 11x11 का झरोखा है, और इसमें जब हम अंदर चले जाएंगे तो फिर हमें 22 सीढ़ियों की शोभा मिलेगी, उससे उतरकर हम अपने मंदिरों में पहुंच जाएंगे। अब यही वृक्ष दूसरी भूम में कैसे जाते हैं? 122 हाथ की ऊंचाई ये ले चुके हैं, अब उसके बाद दूसरी छतरी ने मिलान करना है बाकी वृक्षों से। तो हमारे पास 78 हाथ की जगह बची, क्योंकि ये वृक्ष हमारे ज्यादा ऊंचे हैं, तो 78 हाथ और ये ऊपर जाएंगे और हमारा मिलान हो जाएगा बाकी वृक्षों की दूसरी भूमि से। और रंग महल से कैसे होगा? रंग महल की दूसरी भूमि के छज्जे से इनका मिलान होगा। तो पहले ये 78 हाथ ऊपर जाएंगे और उसके बाद ये एक मंदिर परिक्रमा रौस के ऊपर पूरब से पश्चिम की तरफ जाकर और रंग महल के प्रथम भूमि की छत पर जो छज्जा आया है उससे ये मिलान कर लेंगे, और वो हमारा छज्जा है 33 हाथ। तो हमारा 67 हाथ ये जाएंगे पश्चिम की तरफ रंग महल की तरफ और हमारे 33 हाथ के छज्जे से ये मिलान कर लेंगे। तो ऐसे 100 हाथ की जगह हमारी पूरी हो जाएगी। अब ये जो छत्री मंडल हमारे डले हैं, ये दो छत्री मंडल हैं, एक 122 हाथ पर और एक हमारा है 78 हाथ पर। तो ये पहले वृक्षों के हार के दो छत्री मंडल। तो पहला छत्री मंडल 122 हाथ ऊंचा, लेकिन परिक्रमा रौस पे हम खड़े हैं तो हमारे सिर पर ये 22 हाथ ऊपर नजर आएगा। और दूसरा छत्री मंडल हमारा 78 हाथ ऊपर है, क्योंकि अगर हम पहले छत्री पर खड़े हैं तो हम 122 हाथ की ऊंचाई पर हैं, तो 200 में से 122 माइनस कर दो, 78 हाथ हमारे पास बचते। तो 78 हाथ ऊपर हमारा दूसरा छत्री मंडल, जो कि छज्जों से मिलान कर लेगा। पहले छत्री मंडल से हम पहली भूम के झरोखों में जा सकते हैं और उनसे 22 सीढ़ी उतरकर मंदिरों में जा सकते हैं प्रथम भूम के, और दूसरी छत्री मंडल से हम दूसरे भूम की मंदिरों में दरवाजों से अंदर जा सकते हैं, क्योंकि इसका मिलान छज्जों से हुआ है। तो छज्जा क्रॉस करके आप दरवाजों से, किसी भी दरवाजे से मंदिरों में जा सकते हैं। तो दूसरी भूम में हमें छत्री पर खड़े हैं तो पूरी शोभा नजर आ रही है मंदिरों की, और पहली भूम में अगर हम छत्री पर खड़े हैं तो हमें सिर्फ झरोखे और बाकी जो हिस्सा है दीवार, सुंदर दीवारें, मेहराबें और थंबों की शोभा नजर आ रही है। अब अगर हमें परिक्रमा रौस से मंदिरों में जाना है तो हम दरवाजों से जाएंगे, अगर हमें पहली छत से मंदिरों में जाना है तो झरोखों से जाएंगे, अगर हमें दूसरी छत से रंग महल में जाना है तो हम पूरे मंदिरों के दरवाजों से, किसी भी दरवाजे से अंदर जा सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है कि प्रथम भूम के झरोखे 22 हाथ ऊपर हैं,
तो अगर हम पहली छतरी से अंदर जा रहे हैं तो 22 हाथ नीचे उतरना पड़ेगा, हमें 22 सीढ़ियां मिल जाएंगी मंदिरों में। अगर हम दूसरी छत से रंग महल में जा रहे हैं तो हम दरवाजों से अंदर जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो झरोखा है वो तो 3 हाथ ऊपर है, तो हमें दरवाजे मिल जाएंगे और हमें झरोखों से अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम सीधा दरवाजों से ही मंदिरों में जा सकते हैं। और दरवाजों से छज्जे का डिफरेंस 1 हाथ का होता है, ये सबको पता है। तो हम अगर छज्जे पर चल रहे हैं तो 1 हाथ हम, 1 पग चढ़कर हम अपने मंदिरों में जा सकते हैं। तो ये शोभा हमारे पहली हार वृक्षों की हुई। अब हमारी दूसरी हार वृक्ष जो कि 2 मंदिर की दूरी पर उसी रौस पर आए हैं। अब ये जो हमारे 2 मंदिर की दूरी पर दूसरी हार आई है, ये हमारे बाकी सभी 7 वनों में जितने वृक्ष आए हैं वैसी ही शोभा कि 75 में तना, 25 में डालियां, 100 पर पहली छत और फिर सीधा 100 हाथ ऊपर जाकर 75-25 में वैसे ही डिवीजन और दूसरी छत 200 हाथ पर। तो पहले 75 का तना उठा, 25 में डालियां, 100 हाथ पर छत बन गई। फिर दोबारा से तना निकला, 75 में तना, 25 में डालियां, फिर से छत बन। तो ये जो दूसरा वृक्ष है हमारा, ये वृक्ष और बाकी सभी वनों के वृक्ष बिल्कुल सेम, सेम ऊंचाई, सेम छत्री मंडल, सिर्फ हमारी पहली हार में थोड़ा सा डिफरेंस आता है जो पिठौर से लगे हुए वृक्ष है। तो दूसरी हार वृक्ष और बाकी सभी वनों के वृक्ष ने एकल मिलान किया हुआ है, वो अपना 75 का ही तना, 25 में डालियां और 100 हाथ में ये वृक्ष ऊपर जाकर अपनी छत्रियों का मिलान कर लेंगे। अब ये दूसरी हार वृक्ष पहली हार वृक्ष से कैसे मिलान करेगी? सोनिया जी, इसका एक बार कोई और भी लग सकता है, जो बट पीपल वाला था जिससे हमें सीढ़ियां दिख रही थी। हाँ जी, मैं 1 मिनट खोलती हूँ। सुंदर साहब जी, हमारा जो पहली हार वृक्ष है वो 122 हाथ ऊपर जाकर जब मेहराबे बनाता है तो 3 दिशा में मेहराबे बनाता है, और जब वो रंग महल की तरफ जाता है तो बिल्कुल सीधा और 1 मंदिर चलकर वो झरोखों से मिलान करता है। दूसरी भूम में वो 78 हार ऊपर जाकर और फिर 1 मंदिर की दूरी पर जाकर सीधा रंग महल के छज्जों से मिलान करता है। लेकिन जब हम इसकी शोभा इस मैप से देखें अगर, तो हमें ये नजर आएगा कि 22 सीढ़ियों की शोभा बनती है बीच में। अब ये क्यों बनती है? क्योंकि हमारी पहली हार वृक्ष के बाद जो दूसरी हार वृक्ष आए हैं वो 100 हाथ की ऊंचाई पर हैं, और जो पहली हार वृक्ष है वो 122 हाथ की ऊंचाई पर हैं। तो हमें इन दोनों का मिलान करना है, तो इसलिए हमें उन वृक्षों में से 22 हाथ की सीढ़ियां उतारनी पड़ेंगी, ताकि हम उन सीढ़ियों से उतर कर उस 100 हाथ ऊपर वाली छत्री मंडल पर आ सके। तो ये जो आपको नजर आ रहा है एरो उनका, सोनिया जी का ये एरो देखिए आप, ये हमारा सीधा छत्री मंडल है, सभी वनों का छत्री मंडल है ये 100 हाथ की ऊंचाई पर। अब अगर हम पहली छत्री पर खड़े हैं, दूसरी हार वृक्षों की पहली छत्री या 7 वनों की पहली छत्री पर खड़े हैं और हमें रंग महल में आना है, तो हम इस छत्री से सीधा दौड़कर आएंगे और हमें 22 सीढ़ियों की शोभा नजर आएगी जो कि पहली हार वृक्षों के ऊपर आई है। तो इन 22 सीढ़ियों को चढ़कर हम सीधा 1 मंदिर चलेंगे तो हमारे झरोखे आ जाएंगे। तो ऐसी शोभा इसीलिए बनाई गई है ताकि 122 हाथ ऊपर जो पहले वृक्ष आए थे उनका हम मिलान कर सकें पूरे वनों की चांदनी से। तो 100 हाथ ऊपर जो छत्री मंडल है वनों का, वहां से आप आ रहे हो, तो सीधा आते आते आपको पहली हार वृक्षों के ऊपर ये 22 सीढ़ियां चढ़ती हुई नजर आएंगी। तो आपने ये 22 हाथ की जगह पर 22 सीढ़ियां चढ़नी है, एक एक हाथ की सीढ़ी आपने चढ़नी है, ऊंची सीढ़ी, और इन 22 सीढ़ियों को चढ़कर आप ऐसे छत्री मंडप पर आ गए जो फिर से सीधा है, समतल है, और फिर आप 1 मंदिर चले तो आपको झरोखों की शोभा मिल जाएगी, और झरोखों से आप रंगमहल में 22 सीढ़ी उतरकर नीचे परिक्रमा रौस में झरोखों से मंदिरों से बाहर आकर परिक्रमा रौस पे आ गए। तो परिक्रमा रौस से ऊपर 22 हाथ का छत्री मंडल है, तो अगर हमें परिक्रमा रौस पे आना है वनों से
और वनों की पहली छतरी से आना है तो हम सीधा ही आएंगे और 22 सीढ़ियां चढ़ेंगे। 22 सीढ़ियां चढ़ के एक मंदिर चलेंगे और झरोखों में पहुंच जाएंगे। झरोखों से अंदर 22 सीढ़ियां उतरेंगे, मंदिरों में पहुंच जाएंगे। मंदिरों के दरवाजों से बाहर आ जाएंगे तो हमारी परिक्रमा रौस आ जाएगी। अब ऐसे ही अगर हम दूसरी छतरी पर हैं तो दूसरी छतरी मंडल से हम सीधा ही अपने रंग महल के दूसरी भूम में जा सकते हैं और दूसरी भूम के दरवाजों से मंदिरों में जा सकते हैं और वहां से फिर हम अपने रंग महल में घूम सकते हैं। अब ये जो शोभा है पहली हार वृक्षों की और दूसरी हार वृक्षों में, इतने इसमें कितना अंतर है? तो इसमें 200 हाथ की दूरी है सुंदर साची, क्योंकि दो मंदिर की दूरी मतलब 200 हाथ। तो 200 हाथ की दूरी को कैसे कवर किया है? 178 तो आपको सीधा जाना है और 22 हाथ आपकी सीढ़ियों ने ले। तो ये है पहली भूम की शोभा। पहली भूम में ही हमें सिर्फ 22 सीढ़ियों की शोभा नजर आती है, दूसरी भूम में कोई 22 सीढ़ियां नहीं है। दूसरी भूम में एक समतल जमीन हमें नजर आएगी जो हमारी चांदनी है, दो भूम तीसरी चांदनी। तो दूसरी भूम में कोई 22 सीढ़ियां नहीं है, आपको सिर्फ सीधा ही चलते जाना है और आपका छज्जों से मिलान होगा रंग महल की दूसरी भूम में, आप जा सकते हो। पहली भूम में ही ये 22 सीढ़ियों की शोभा हमको समझनी है, क्योंकि जो दूसरी हार वृक्ष है जब आप उसके ऊपर आ गए पहली छतरी मंडल पर तो आप 178 हाथ चलोगे, 22 सीढ़ियां आप चलोगे तो 22 हाथ का डिफरेंस कवर करोगे, 200 हाथ पूरे हो गए। और फिर एक मंदिर और चलोगे जो परिक्रमा और रौस के ऊपर हमें चलना है, वो चलोगे और झरोखों में पहुंच जाओ। तो ये शोभा सिर्फ पहली भूम की हमें समझनी है, पहले भूम के ऊपर जो छतरी मंडल आया है उसमें ये डिफरेंस है, बाकी दूसरी भूम बिल्कुल प्लेन आई। सुंदर साहब जी, आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी इसमें एक चीज और मुझे बतानी थी कि हमारे जो 7 वन है उसमें 5 वनों की शोभा में हमें ये 22 सीढ़ियां नजर आती हैं और ये फिर हमारे 6 बच्चों पर घूम जाएंगे। तो जैसे जैसे नारंगी वन, जाम्बू वन घूमेगा 6 बच्चे पर, फिर नारंगी वन आएगा, तो वो सीढ़ियां हमारी बट पीपल की चौकी से होती हुई और आगे हमारी दक्षिण दिशा में चलते चलते दूसरे 6 बच्चे को भी 22 सीढ़ियां ही घूमती हुई आगे हमारी जाके फूलबाग पे ये सीढ़ियां खत्म होती हैं। तो ऐसे ये सीढ़ियां हमारी शुरू होती हैं चांदनी चौक की हद के बाद और फिर ये चलती हैं ईशान कोने तक, सॉरी अगिन कोने के 6 बच्चे पर, अगिन कोने के 6 बच्चे पर ये घूम जाती हैं और पूरा घूम कर ये 22 सीढ़ियां हमारी पूरी दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी के साथ साथ चल रही हैं और बट की शोभा में, पीपल की शोभा में चल रही हैं। और फिर ये हमारे नैरित कोण के 6 बच्चे को भी पूरा घूमकर कवर करती हैं, लेकिन जैसे ही 1/4 लास्ट का हिस्सा फूलबाग का आता है वहां पर ये सीढ़ियां समाप्त हो जाती हैं। तो ये सीढ़ियों का जो हमारा ऊपर छतरी मंडल है 22 हाथ ऊपर हमारा छतरी मंडल नजर आता है परिक्रमा रौस पे जब हम चल रहे हैं, तो हमें ये 22 हाथ ऊपर तो सीधा छतरी मंडल नजर आता है। 2 22 के अंक आते हैं सुंदर साहब जी। एक है अगर हम परिक्रमा रौस पे खड़े हैं तो हमें अपने सिर के ऊपर 22 हाथ ऊपर एक छतरी मंडल सीधा नजर आ रहा है, जिसपे हम जो बिल्कुल सीधा जा रहा है एक मंदिर की चौड़ाई में, ये छतरी मंडल सिर के ऊपर 22 हाथ ऊंचाई लिए हुए है। और एक है 22 हाथ की सीढ़ियां जो हमें उतरती हुई सीढ़ियां नजर आएंगी अगर हम परिक्रमा रौस पर चल रहे हैं, तो ये 22 सीढ़ियां हमें उतरती हुई नजर आएंगी। और कहां नजर आएंगी? पहली वृक्षों के हार से 122 हाथ की ऊंचाई से ये सीढ़ियां शुरू होंगी और उतरती सीढ़ियां हमें नजर आएंगी। एक वो 22 सीढ़ियों की शोभा है और ये 22 हाथ की शोभा है। तो 22 हाथ ऊपर छतरी मंडल परिक्रमा रौस पे और अपनी बाई तरफ देखेंगे तो 22 हाथ की उतरती हुई 22 सीढ़ियां जो कि पूरी फूलबाग तक जाती है। तो ये डिफरेंस है दोनों 22 नंबर में। और एक और 22 का अंक आता है 22 हाथ की 22 सीढ़ियां, नगन जड़ित सीढ़ियां झरोखों के अंदर। तो 3 22 हाथ हमें समझने हैं इसमें, एक 22 हाथ की सीढ़ियां, एक 22 हाथ ऊपर छतरी मंडल और एक 22 हाथ हमारी 22 सीढ़ियां जो झरोखों के अंदर बनी हुई है दीवार के अंदर, वो हमारे 2 दरवाजों के बीच में जो हमारी 22 सीढ़ियां प्रथम भूम में बनी हुई है नगन जड़ित, जिनसे हम उतर के अपने मंदिरों में अंदर भीतरी तरफ जा सकते हैं। तो 3 22 हाथ की शोभा इसमें सुंदर बनती हुई नजर आती है। अब अगर हम प्रथम भूम पर खड़े हैं तो 122 हाथ ऊपर छतरी मंडल, इन दोनों वृक्षों के भारों के बीच में खड़े हैं तो हमें 122 हाथ ऊपर छतरी मंडल, परिक्रमा रौस पर खड़े हैं तो 22 हाथ ऊपर छतरी मंडल और वनों में खड़े हैं दूसरी हार के बाद, वनों में खड़े हैं तो 100 हाथ ऊपर छतरी मंडल।
दूसरी छतरी मंडल पर आते हैं तो अगर हम परिक्रमा रॉस के ऊपर जो दूसरी छतरी आई है उस पर खड़े हैं झरोखों के पास तो हमारा 78 हाथ ऊपर छतरी मंडल, अगर हम 22 सीढ़ियां उतर कर आ गए तो 22 सीढ़ियां उतर के हमें नीचे आना है तो 22 सीढ़ियां उतर के आए तो हम अगर चांदनी पर खड़े हैं पहली छतरी मंडल पर तो हमारा 100 हाथ ऊपर छतरी मंडल। तो ऐसे हमें ये अलग अलग प्रकार के छतरी मंडल नजर आते हैं और ऐसे हमारे 7 वनों की शोभा कंप्लीट होती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर, बहुत प्यारा वर्णन। एक एक चीज, मुझे नहीं लगता किसी सुंदर साथ के दिल में कोई भी 1% नहीं, 0.1% भी कोई संशय बचा होगा यदि कोई था। बहुत सुंदर वर्णन आशिमा जी, बहुत प्यारा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैंने सोनिया जी वो बनाया है, एक सुनाऊं? हाँ जी, हाँ जी, जरूर। हाँ जी, ये 7 वनों पे बनाया है मैंने सुंदर साथ जी। इनकी खुशबू हम रूहों को कितनी बार जगाए, कोमल चेतन नूर दो भौम चढ़ाए, दो भौम चढ़ाए, आम अनार और जामुन के वृक्ष मोहल के आगे, मीठे इनके रस को पी कर अवगुण छोड़ के भागे, अवगुण छोड़ के भागे। चार थंब जो मध्य में है गुम्मट सिर पर लाए, ध्वज पताका खाए हिलोरे मस्त पवन जब आए, मस्त पवन जब आए। दूजी भूम में मंदिर रूपा सज गया वन सारा, तुम दूल्हा मैं दुल्हनी अब तो दे दो दीदारा, तो दे दो दीदारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, ऐसे लग रहा है आप गाते रहो सुनाते रहो, हम पूरा दिन यहाँ बैठ के आपको सुनते रहे, इतना सुंदर आपने लिखा। और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, दे दो अब दीदारा, हम सब दीदार के लिए अब तरस रहे हैं राजी महाराज। और एक आपने ये जो मिक्स्ड फ्रूट जूस बनाया ना, अनार अमृत और जांबू का, वो बहुत अच्छा लगा कि ये रस यदि हम पी लें, वो अनार अमृत जांबू का रस यदि हम पी लें राजी महाराज, उनके दर्शन यदि हो जाएं, तो ये रस सब आना शुरू हो गया है। तो वो मिक्स्ड फ्रूट जूस हमने पीना है अब बहुत जल्दी, उन्हीं वनों का रस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मेरे पास शब्द नहीं है, इतने सुंदर दिल के भाव, इतना प्यारा आपने समझाया। और अपने दिल के भावों को हमेशा कलमबद्ध करते रहिएगा और हम सब सुंदर साथ को प्रेरित भी करते रहिएगा, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, आपको सुन के समझ तो आता ही है और खूब सारी प्रेरणा के आप स्रोत। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। राज जी, ऐसे ही खूब खूब मेहर, पहले मैं बोला करती थी खूब खूब मेहर बरसाते रहे। उस दिन स्वामी जी से एक बात हुई तो नेत्र खुल गए कि वो तो बरसा ही रहे हैं। मैंने उनको बोला 2 साल पहले, स्वामी जी मैं आपके पास आई थी ना, मैं मूड़ मती थी तो राजी मेहर बरसा रहे। बोलते नहीं, तब भी बरसा रहे थे, वो तो हैं ही बरसाने वाले, वो कदीम से बरसाते आ रहे हैं, वो 2 साल पहले भी बरसा रहे थे, 400 साल से बरसा ही रहे हैं, आज भी बरसा रहे हैं, उनकी मेहर का कोई पारावार नहीं, हमने अपना औंधा प्याला सीधा आज किया है, ये फर्क है। उनकी तो मेहर बरस ही रही है, राजी करें हम अपने प्याले सीधे करते जाएं। राजी की खूब मेहर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर सुख आपने सुंदर साथ को दिया आज। आप अपने प्रेम और आशीर्वाद की जो बौछार हुई है ना, वो चैट में भी जरूर पढ़ लीजिएगा और अंत में अभी सुंदर साथ को खोलने दीजिए, देखिएगा कितनी बौछार होती है। आइए सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं श्री मुखवाणी की अति सुंदर अति प्यारी चौपाई की तरफ।
हालांकि श्री सातवन में दो प्रश्न, एक प्रश्न भी आया हुआ है, पर वो हम आज नहीं करेंगे, लेट हो जाएगा। हम प्रश्नों का एक और करेंगे, उस दिन हम वो संशय निवारण का एक सेशन रखेंगे, उस दिन करेंगे। सुदर्शन आंटी, अरे वाह, सुदर्शन भगत जी, श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 11, चौपाई 17 और 18। प्रणाम जी सुदर्शन आंटी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरा पहला प्रयास है, मुझे कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। जो लो पियो सुध ना होती, सुहागिन अंग में पियो, जब पिया जाहिर हुए तब ले खड़ी अंग जीव, तब ले खड़ी अंग जीव। जब प्रियतम की शुद्धि भी नहीं थी, तब भी प्रियतम सुहागिन श्री इंद्रावती जी के अंदर ही थे। जब प्रियतम की पहचान हो गई, तब वह भी अपने जीव के साथ उनसे मिलने के लिए तत्पर हो गई। भावार्थ, विक्रम संवत 1712 में सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के अंतर्धान के पश्चात तत्क्षण युगल स्वरूप श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए थे, किंतु इस बात का उन्हें बोध नहीं था। विक्रम 1715 में उन्हें हफ्से में इसकी वास्तविकता का पता चला। परम सत्य मारिफत की दृष्टि से यदि देखा जाए तो धाम धनी प्रत्येक आत्मा के धाम हृदय में अखंड रूप से सर्वदा ही विराजमान रहते हैं, किंतु माया के आवरण के कारण वह उनकी पहचान नहीं कर पाती हैं। जब श्यामा जी प्रियतम की खोज में थी, तब भी वे उनके अंदर ही विराजमान थे, किंतु उन्हें बोध नहीं था। थोड़ा सा ऊपर करना। बोध लीला रूप में अवश्य श्री राज जी विक्रम 1678 में उनके धाम हृदय में विराजमान हुए, किंतु मारिफत की दृष्टि से उनके अंदर भी पहले से विद्यमान थे। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इस आए करो आराम, सागर 8 प्रकरण की पहली चौपाई, तथा हक नजीक सहरक से आड़ो पटना द्वार, सिंधी ग्रंथ की ऊपर कर। ये आड़ो पटना द्वार सिंधी के कथन यही सिद्ध करते हैं। ये कहना अत्यंत हास्यास्पद है कि श्री राज जी परम धाम से श्यामा जी को दर्शन देने के लिए आते थे और दर्शन देकर पुनः परम धाम चले जाते थे। यदि ऐसा है तो हमको खेल दिखावन काज हमसो आगे आए श्री राज। प्रकाश हिंदुस्तानी 18 प्रकरण 6 चौपाई, तथा पाओ पल सास की जुदागी ना सो का क्या अर्थ करेंगे। वे इस खेल में दर्शन देने से पूर्व कहाँ पर रह रहे थे। इतना अवश्य है कि जिस आत्मा श्यामा जी इंद्रावती जी को विशेष शोभा देनी होती है, धाम धनी उन्हें बाहर रूप से प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनके अंदर लीला रूप में विराजमान होते हैं और ये बात प्रकट हो जाती है, अन्यथा उनकी शाश्वत विद्या मानता तो सभी आत्माओं के अंदर होती ही है, किंतु माया के प्रभाव से वे स्वयं को अपने प्रियतम से दूर मानती हैं। इसका मूल कारण यह है कि वे नींद के प्रभाव में होती हैं और स्वयं को ना देखकर जीव भाव में अपने जीव की लीला को ही देख रही होती हैं। जो होए सैया सुहागिनी, सो निरखो अपने निशान, वचन कहे मैं जाहिर सुहागनियों पहचान। मैंने ब्रह्म सृष्टियों की पहचान के सभी लक्षणों का स्पष्ट वर्णन कर दिया है। सुंदर साथ में जो भी ब्रह्म सृष्टि हो, वे इन लक्षणों से अपनी तुलना करके आत्मचिंतन करें कि क्या मेरे अंदर भी परम धाम का अंकुर है या नहीं। भावार्थ, उपरोक्त कथन अपनी आत्मा जागृति के लिए चिंतन की ओर अग्रसर करता है, अन्यथा प्रत्येक
प्रत्येक सुंदर साथ को चाहिए कि वह स्वयं को ब्रह्म सृष्टि ही माने तथा उसके अनुसार ही आचरण करने का प्रयास करे। जब जब ब्रह्म सृष्टि का जीव भी सत्य स्वरूप की पहली बरिष्ठ मुक्ति स्थान में जाता है और प्रेम में चितवनी का आधार लेकर कोरा जीव भी वहीं जाता है, तो अपने समर्पण विरह और प्रेम के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करने में अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए, ना कि इस निराशा के भंवर में फंस जाना चाहिए कि मैं तो जीव हूँ और मुझे परम धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब धाम धनी स्वयं कहते हैं, जो किन जीवे संग किया ताको करुणा मेलो भंग, सो रंगे भेलू वासना वासना सत को अंग वासना सत को अंग। कलश हिंदुस्तानी 23 प्रकरण छिपाई 64। सुंदर साहब जी, मैं कुछ अपने भाव व्यक्त करना चाहती हूँ, टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया है, कर सकती हूँ सोनिया जी? हाँ जी, जरूर आंटी। सुंदर साहब जी, जब जीव इसमें सब कुछ वैसे तो बता दिया है साहब जी ने, लेकिन सुंदर साहब जी, जब आत्मा जब जीव पर बैठकर माया का खेल देख रही होती है तब वह जीव में डूब कर भूल जाती मूल भाव को भूल जाती है, लेकिन उसके अंतर मन में यह आवाज आती रहती है कि यह सब तुम्हारे लिए नहीं है। माया में कितने भी कष्ट आए पर आंतरिक रूप से अपने प्रियतम पर विश्वास करना बना रहता है। पार वतन जो सुहागनी ताकि नेत्र कहूँ पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर कहाँ निदान। जब श्री जी मेराय ठाकुर के रूप में थे तो भी उनके अंतर मन में धाम धनी की बैठक थी परंतु पहचान नहीं थी। जब वे अपने भाई से परम धाम की बातें सुनते थे तो उनकी आत्मा धाम धनी को मिलने के लिए आतुर हो जाती थी। देवचंद जी के अंतर धाम के पश्चात युगल स्वरूप श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए, लेकिन इस बात का उन्हें बोध नहीं था। 1715 में जब वह हफ्से में थे तो उन्हें वास्तविकता का बोध हुआ, जब उनके साथ कई प्रकार की लीलाएं हुई। जब श्यामा जी प्रियतम की खोज में थे तो तब भी प्रियतम उनके अंदर विराजमान थे। जब देवचंद जी कच्छ जा रहे थे तो रास्ते में पठान के रूप में श्री जी उनके अंदर से ही दर्शन दिए, लेकिन शंका पहचान ना होने की वजह से उनमें उनके मन में शंकाएं पैदा हुई। हे साथ जी, अपने हृदय में इस बात की दृढ़ता कर लीजिए कि हम निश्चित रूप से परम धाम की ब्रह्मात्मा हैं, तभी हम परम धाम की लीलाओं का आनंद ले सकेंगे। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। आशिक अपने माशूक को धाम हृदय में बसाकर आनंद करना चाहती है, सेज से मतलब है तात्म ज्ञान का पलंग और ईमान अटूट आस्था का बिछौना, समर्पण का तकिया, प्रेम की मधुरता एवं सुगंधी से भरपूर अपनी आत्मा का समर्पण करना है। राज्य हमारी सांस की नली से भी नजदीक है, बस हमें अपनी मन की आंखों को खोलकर रखना है और माया के पर्दे की को हटाना है। सुंदर साहब जी, हमको खेल देखने की बहुत ही प्रबल इच्छा थी, राज्य ने हमें बहुत बार मना किया, हमारे बार बार कहने पर खेल दिखाया, परंतु हमसे पहले खुद इस खेल में आ गए, हमें संभालने के लिए आ गए। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, मेरा ये पहला प्रयास है, बहुत गलतियां हुई होंगी लेकिन क्षमा करिएगा मुझे। नहीं, we are so proud of you, Raji is so proud of you, we are so proud of you, Ashima plus Sudarshan ji equals wow, बहुत सुंदर। Raji ने जो बुलाया मैंने बोला। बिल्कुल नहीं, बहुत सुंदर सुदर्शन आंटी, यदि पहली बार बोला है और इतना अच्छा बोला है तो आपको बोलते रहना चाहिए और लिखते रहना चाहिए, ये सब भाव व्यक्त करते रहना चाहिए। वी आर सो सो प्राउड ऑफ यू सुंदर साहब जी,
पहली बार वाणी मंथन करके इतना सुंदर बोलना, एक प्रॉमिस आप सुंदर साथ जी को करना पड़ेगा, मंदिर में, आश्रम में, कहीं भी कार्यक्रम होंगे, ये कारवां इस जूम में नहीं रुकना चाहिए, ये आगे बढ़ना चाहिए, और सुंदर साथ को प्रेरित करें, उनको भी सिखाएं ताकि हर सुंदर साथ बोले। जब तक 12,000 नहीं बोलेंगी ना, तब तक जागनी इस तब तक यही बैठे रहना नहीं फैलेगी। बहुत तब अच्छे तक यही बैठे रहना, जब तक 12,000 नहीं बोलेंगे वहां जान राज्य के पास जाएंगे। बिल्कुल, कोई सखी मुख से नहीं तो उसके दिल से तो उसको बोलना ही बोलना है। तो राज्य की अपार मेहर, आप दोनों ही मिलकर जयकारा लगाइए प्यारा सा, और उसके बाद मीटिंग एंड करेंगे। बोलो श्री, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई गलती हो तो क्षमा करना मुझे। नहीं, राज्जी की वाणी में कोई गलती हो ही नहीं सकती, जो सुंदर साथ बोलता है उनके मन को भा जाता है, वही सही होता है। तो कोई गलती नहीं, आप ऐसे नहीं कहिए, तभी तो आनंद लेते हैं हम लोग। सुंदर साथ जी, सहयोगिता का अति उत्तम उदाहरण आज इन दोनों प्यारे सुंदर साथ जी ने पेश किया है, तो जोर शोर से तैयारी करते जाइए। एक्साइटिंग न्यूज इज कमिंग सून की डेट आने वाली है बहुत जल्दी सहयोगिता की, तो तैयारी करते रहिए अति सुंदर तरीके से। और आइए अब हम सुंदर साथ जी, और एक सुंदर साथ जी, और कल मीटिंग की शुरुआत में भी ये अनाउंसमेंट होगी, पर आज तक इस कार्यक्रम में जिस जिस सुंदर साथ ने बूझो तो जाने बोले हो, चाहे वो एक हो चाहे वो दस हो, जिन जिन सुंदर साथ ने इस कार्यक्रम में, घर में लिखे हुए नहीं, जो यहाँ पर प्रेजेंट कर चुके हैं आप, यानी कि वो बिल्कुल सही है, वो प्लीज लिख कर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि बूझो तो जाने की भी एक पूरी बुक बनाने की तैयारी हो रही है। तो कहीं आप सुंदर साथ जी का इतना सुंदर बना हुआ वो रह ना जाए घर में, तो एक ऑनलाइन बुकलेट तैयार की जाएगी, ताकि सुंदर साथ को बार बार ढूंढने ना पड़े। सेवा करने वाले सुंदर साथ ऑलरेडी आ चुके हैं, बस बूझो तो जाने का इंतजार हो रहा है। जैसे जैसे भेजते जाएंगे हम सब उसमें ऐड करते जाएंगे। और समय नहीं लूंगी सुंदर साथ जी, एक बात और, लेट हो जाता है कभी कभी, अभी एक स्पेशल कार्यक्रम सहयोगिता आने वाला है, उसकी तैयारी में एक्स्ट्रा क्लासेस तो लगानी पड़ेंगी ना, थोड़ा लेट तो करना पड़ेगा ना, कॉलेज में भी तो लगाते हैं। तो ये आश्रम का मंच नहीं है सुंदर साथ जी, जिसमें से बीच में से उठ के आपको जाना अलाउड नहीं है, जिसमें वीडियो ऑफ करना अलाउड नहीं है। आप ये लगा हुआ है पर आप अपने काम कर सकते हैं साथ साथ, यदि नाश्ता बनाना है, बच्चों को भेजना है, जॉब पे जाना है, रस्ते में सुन सकते हैं। तो जब आप चाहें, यू आर इंडिपेंडेंट टू गो, आपको जाना चाहे, क्योंकि वीडियो भी अवेलेबल है, तो क्षमा कीजिएगा कभी कभी लेट होता है, परंतु वो जरूरी होता है। इसलिए लेट होता है क्योंकि आधे में इन सेशन को काट के नेक्स्ट डे कंटिन्यू करने की बजाय, ये सातवन हमारे कंप्लीट हुए, नेक्स्ट डे हम नई शोभा करेंगे, वो सुंदर साथ भी जितनी पूरी तैयारी करके आए हैं उनका भी पूरा सुनेंगे, तो क्षमा कीजिएगा इसके लिए। खूब खूब, क्षमा नहीं बोलूंगी मैं, खूब खूब आशीर्वाद दीजिएगा उन सुंदर साथ को जो इतना प्यार से तैयारी करके आए हैं। तो यदि आप लेट हो रहे हो, यू आर इंडिपेंडेंट कि आप वो वीडियो ऑफ कीजिए और एंजॉय कीजिए, अपना काम कीजिए, साथ साथ सुनते रहिए, है ना। और यदि आप दूसरी मीटिंग भी अटेंड करना चाहते हैं, दूसरे वाले डिवाइस पे दूसरी मीटिंग भी लगा लीजिए, है ना भाई। तो देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, राजी ने वो सलाहियत हमें दी है कि हम प्रॉब्लम ना ढूंढे, हम सॉल्यूशन बने प्रॉब्लम का, ना कि सॉल्यूशन की प्रॉब्लम बन जाए, ठीक है। तो आइए मिलके एक बार फिर से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो हाँ जी सुंदर साथ जी, ये दो मिनट, आधे मिनट की चर्चा है सिर्फ, नीरू जी नेपाल ने शेयर की है, मैं चाहता हूं कि इसको एक बार सुंदर साथ जी सुने और इससे कुछ ग्रहण करें। राज्य के हृदय से बहने वाला रस, आवाज आ रही है से तो वाणी के शब्दों के रूप में, राज्य के हृदय से बहने वाला रस ही तो वाणी के शब्दों के रूप में प्रवाहित हुआ है।
यदि आप वाणी को कोई पुस्तक समझेंगे तो आपको इसका रस पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, आप शब्द ज्ञान में उलझे रहेंगे। प्रेम की दृष्टि से पढ़ेंगे, प्रेम की दृष्टि से चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा प्रीतम मुझे पुकार रहा है, और तब अटूट समर्पण का भाव परिपक्व होगा, प्रेम की रसधारा बहेगी। लेकिन इसमें हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो सुंदर साहब जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो राजन स्वामी जी ने कहा कि इसको किताब नहीं समझना है, एक और बहुत अच्छे ब्रह्मुनि सुंदर साथ थे कानपुर में, अभी तन से नहीं है, उन्होंने बोला जब मैं प्रकाश हिंदुस्तानी पढ़ रही थी पहली बार तो मुझे ऐसे लगा राजी मेरे से कुछ कह रहे हैं और मैं उनसे सुन रही हूँ और मैं वापस उनको कह रही हूँ। तो हमें भी प्रेम के साथ वाणी पढ़नी है, वाणी का चिंतन करना है, तभी वो फलीभूत होगा। अभी नेक्स्ट जो है मैंने नोट किया किरंतन की चौपाइयां आ रही हैं, दो चर्चाएं मुझे बहुत अच्छी लगी किरंतन की, प्रकरण 76 और प्रकरण 115। तो जरूरी नहीं है कि आपको उसी प्रकरण की चौपाई किरंतन की दी गई हो, लेकिन जरूर इन दोनों चर्चाओं को सुने, ये उसी वाणी साहित्य का जो ड्राइव है उसमें जो MP3 फोल्डर है, दो सनंत की चर्चाएं थी और दो अब मैंने किरंतन की डाली है क्योंकि आने वाले प्रकरण किरंतन के हैं। तो जरूर इनका प्रेम से श्रवण कीजिए और प्रेम से ही वाणी मंथन भी कीजिए। प्रेम प्रणाम जी।